नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं NCL रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, क्या इस कंपनी को बाई करना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कंपनी ऊपर जाता है, थोड़ा सा करेक्ट होता है, सपोर्ट लेता है और अगेन फिर से एक नया हाई बनाता है। और यह कंपनी सपोर्ट ले चुका है और फिर से एक नए हाई के लिए तैयार है, तो क्या कंपनी को बाई कर लेना चाहिए? या फिर जो लोग इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, जिन लोगों ने इस कंपनी को ऊपर प्राइस पर बाई कर रखा है, क्या उनका लॉस रिकवर हो जाएगा या फिर यह कंपनी उससे पहले ही फिर से यू टर्न लेकर नीचे आ जाएगा? सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस न करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो देखते हैं इस कंपनी का डिटेल क्या बनता है। दोस्तों अगर इस कंपनी के 52-week लो की बात करें तो 7 पैसे का ये शेयर हुआ करता था। इस कंपनी ने अपना हाई बनाया 3.10 रुपए का। अगर इस कंपनी के आज के क्लोजिंग की बात करें तो 2.08 रुपए का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इस कंपनी के और डिटेल की बात करें तो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, लेकिन कंपनी में कुछ वीकनेस भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि इस कंपनी का प्रमोटर्स होल्डिंग 2.79% के साथ। तो देखते हैं इस कंपनी का और डिटेल। दोस्तों अगर इस कंपनी के डेली चार्ट पे हम डिटेल की बात करें तो फिर आप देखेंगे कंपनी में काफ़ी बड़ी तेजी आपको देखने को मिला। उसके बाद यह कंपनी यहाँ पर कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेशन जोन को जैसे ही इस कंपनी ने तोड़ा, उसके बाद इस कंपनी में अगेन एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिला और यह कंपनी वहाँ से करेक्ट होकर फिर से उसी कंसोलिडेशन जोन के जस्ट पास में सपोर्ट लेता है। आप देखेंगे कंसोलिडेशन जोन का जो हाई था वो था 1.86 रुपए का, कंपनी का आज का लो बना था आप देखेंगे 1.90 रुपए के पास में, यानी जस्ट सेम। और उसके बाद इस कंपनी में अपर सर्किट लगना स्टार्ट हो चुका है। इस कंपनी का एक और सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिलेगा जो कि 45 से लेकर 50 के RSI के बीच में, यानी कंपनी ने डबल सपोर्ट लिया और उसके बाद इस कंपनी में अगेन आपको अपर सर्किट लगता हुआ दिख गया है। तो क्या इस कंपनी को बाई किया जा सकता है? बिल्कुल आप चाहें तो बाई करके चल सकते हैं, लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखें कि यह एक पैनी शेयर है, ऊपर से इस कंपनी में करेक्शन भी आ चुका है। तो अगर ऑपरेटर निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको उसके लिए एक काम करना चाहिए, आपको अपना स्टॉप लॉस डेली टू डेली, अगर इस कंपनी में आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो अपना स्टॉप लॉस आप डेली टू डेली ट्रेल कर सकते हैं। इस कंपनी को आप बाई करते हैं तो आपको भी सेम काम करना चाहिए, क्योंकि अगर यह कंपनी आगे चल के यू टर्न ले लेता है तो आपको काफी हैवी लॉस होगा, इसीलिए उससे बचने के लिए आपको ये काम करना चाहिए। दोस्तों करना बस इतना सा है कि जब भी शेयर ओपन होगा तो अपर सर्किट पे ओपन होगा और यह कंपनी उसके बाद लोअर सर्किट पे जाएगा, तो उसके नीचे थोड़ा सा आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इससे ये होगा कि अगर यह कंपनी यू टर्न लेकर नीचे जाता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आप टाइम से एग्जिट कर जाएंगे। दोस्तों इस ट्रिक का यूज करके आप अपने प्रॉफिट को भी सेव कर सकते हैं और खुद को भी, क्योंकि अगर यह कंपनी यू टर्न लेकर नीचे जाता है तो उसके बाद यह कंपनी 1 रुपए के भी नीचे जा सकता है, तो ऐसे में आपको हैवी लॉस भी हो जाएगा, इसीलिए इस ट्रिक का यूज आपको करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।